गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। पहले हम लिविंग थिंग्स के बारे में सीख चुके हैं और लास्ट टाइम मैंने आपको लिविंग थिंग्स के फीचर्स के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जिनके अंदर लाइफ नहीं होती, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स के एकदम अपोजिट, जिनमें लाइफ होती है उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और जिनमें लाइफ नहीं होती उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ग्रो करती हैं, ना ब्रीथ करती हैं, ना मूव करती हैं, और ना ही रिप्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन, टेबल, कप, फैन एट्सेट्रा। अब माउंटेन, पहाड़ जो है वो अपने आप से बड़ा नहीं होता, वो सांस नहीं लेता, हिलता जुलता नहीं है और रिप्रोड्यूस भी नहीं करता। सिमिलरली टेबल है वो अपने आप पड़ी पड़ी बड़ी नहीं हो जाती, ना ही वो सांस लेती है और ना ही वो रिप्रोड्यूस करती है। डिफ्रेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो अब हम सीख चुके हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या होती है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ऑन। लिविंग थिंग्स अपने आप इधर उधर हिल डुल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप इधर उधर नहीं चल सकती। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को खाना खाने की ज़रूरत रहती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, वो बड़ी होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स बड़ी नहीं होती। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेती। लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स महसूस कर सकती हैं, उनको सर्दी, गर्मी, दर्द, गर्म, ठंडा सब महसूस होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स को फील नहीं होता। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग थिंग्स मर जाती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मरती। नाउ वी विल लर्न नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल और मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं। ऑल द थिंग्स अराउंड अस कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इंटू नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं, दो ग्रुप्स में, नेचुरल और मैन मेड थिंग्स। क्या होती है नेचुरल थिंग्स? थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। वो चीज़ें जिनको नेचर ने, कुदरत ने, भगवान ने बनाया है, जिनको कुदरत ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, उनको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स, प्लांट्स, अर्थ, रिवर्स, रॉक्स, सन, मून, स्टार्स एट्सेट्रा। नेचुरल थिंग्स मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। नेचुरल थिंग्स दोनों तरह की हो सकती हैं, वो लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। जैसे कि एनिमल्स, ये लिविंग थिंग है और नेचर ने बनाया इनको। प्लांट्स, ये भी लिविंग थिंग है। अर्थ, अर्थ को भी किसने बनाया? नेचर ने बनाया। रिवर्स, ये भी नेचर ने हमें दिए हैं। दीज ऑल आर नेचुरल थिंग्स। रॉक्स, इसको भी भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग है। सन, मून,
ये सब नेचुरल थिंग्स हैं। मैन मेड थिंग्स, थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। वो चीज़ें जिनको मैन ने बनाया है, जो मैन के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, उनको मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग। मैन के द्वारा बनाई गई सारी थिंग्स नॉन लिविंग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न, टेलीविज़न सेट, कार, रोड, कंप्यूटर, बिल्डिंग, एरोप्लेन एट्सेट्रा, ये सभी मैन मेड थिंग्स हैं। बुक्स को मैन ने बनाया, दिस इज़ ए नॉन लिविंग थिंग। टेबल, कंप्यूटर, एरोप्लेन, ऑल द थिंग्स आर मैन मेड थिंग्स। वी कैन सी राइट एन फॉर नेचुरल थिंग्स एंड एम फॉर मैन मेड थिंग्स अंडर ईच पिक्चर। दीज आर प्लांट्स, सो इट इज़ अ नेचुरल थिंग। रिवर, दिस इज ऑल्सो ए नेचुरल थिंग। दिस इज़ ए कार, इट इज़ अ मैन मेड थिंग। दीज आर टॉयज, दे आर ऑल्सो मैन मेड थिंग्स। सो दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर वन स्टूडेंट्स। यू हैव ऑलरेडी रिटन द असाइनमेंट्स फॉर दैट। आई विल सेंड यू सम अदर असाइनमेंट्स फॉर दिस लेसन। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।